हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे अपकमिंग मूवी 1770 की, जिसका मोशन पोस्टर आ चुका है। और ये मोशन पोस्टर कमाल का है। अभी से नोट कर लो कि ये मूवी जब भी आएगी तब बड़ा धमाका कर सकती है, पूरे चांसेस है। क्यों, ऐसा क्या खास होगा इसमें? एक तरफ लोगों को कहानियां नहीं मिल रही और ये लोग ऐसी ऐसी कहानियां कहां से लेकर आते हैं। 1770 जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल आनंद मठ पर बेस्ड है। अब आनंद मठ जो है वो अपने आप में एक ग्रेट क्रिएशन है। कह सकते हैं कि बंगाली और इंडियन लिटरेचर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल्स है उनमें से एक है आनंद मठ, जिसे 1882 में पब्लिश किया गया था और जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब मूवी की बात करें तो मूवी में दिखाया जाएगा सन्यासी विद्रोह। अब ये सन्यासी विद्रोह क्या है? सन्यासी विद्रोह जो है वो भारत देश की आजादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया गया बहुत बड़ा विद्रोह था। अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ये सवाल भी होगा कि आज तक इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनी। अंग्रेजों के खिलाफ हो रही उस लड़ाई के अंदर किसान, मजदूर, फकीर, इवन जो भी शोषित लोग थे उन सब ने सन्यासियों का साथ दिया था और अंग्रेजों की भारी वाली बैंड बजाई थी। ये विद्रोह 1770 से शुरू होकर कई साल तक चला था। अब बड़ी बात यह है कि इस मूवी को लिख रहे हैं एसएस राजामौली के फादर वी विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली, आरआरआर जैसी मूवीज के स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखे थे। और एसएस राजामौली के जो असिस्टेंट है अश्विन गंगाराजू, वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। और एक बात, वंदे मातरम, ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको 150 साल पूरे हुए हैं। वैसे तो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और 1882 में उनकी जो नॉवेल है आनंद मठ, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया। और वंदे मातरम ने उस टाइम पर हमारे देश के क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश को एकजुट करने में, उनको हौसला देने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और आज भी हम जब वंदे मातरम गाते हैं, सुनते हैं, तो वही जोश हम फील करते हैं। तो उसी आनंद मठ पर बेस्ड है 1770 मूवी की कहानी। अब आप अंदाजा लगाओ कि किस लेवल का क्रिएशन होगा, किस लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टीजर या फिर ट्रेलर आने के बाद बाकी की बातें करेंगे। और ये सब जो मैंने आपको बताया उसे सुनने के बाद 1770 का मोशन पोस्टर फिर एक बार देख लेना। और अब रोंगटे खड़े ना हो जाए तो वापस आकर कमेंट कर देना। वैसे ये मूवी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली में भी रिलीज होने वाली है। दशहरा तक इस मूवी का लीड एक्टर कौन है वो बता दिया जाएगा और दिवाली तक पूरी कास्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके देन, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।